temporary time hai na abhi jena nahi dena asmane rickshaw kina laye washmi chi rickshaw var mukda unti wakdi hai saral karna lo bhai amit ke gela amit to nahi lo nahi तो आज कसो गए थे तू आज आंबे ना सा आज को ना मैं ना चला चाहमी अरे बोल सर ले गए बराबर है चरशी बनोते नहीं तू जरा सा रेडी मारो ना तू आज शूटिंग करी ना हां हेलो नहीं नहीं माला ही चालू नहीं माला यूट्यूब लाइव लाइव खलास पूरा दुनिया बगते माला नहीं तो आईला लिंक टाकना तुम्हारा तुम्हारे लिंक व्हाट्सअप का है संगा व्हाट्सअप का मला काय माहिती नाही नंबर घ्या ना थांबा व्हाट्सअप आहे ना तुमच्याकडे हाय
वापस खुल गए मछी रहे ना
Thank you.
मैं रखता हूँ अभी आएंगे ना एंट्री के लिए। हाँ ठीक है मैं लेता हूँ अंदर से क्या है बोलने को नहीं है मैं हूँ खड़े सब लोग बोलते हैं तुम का गया था एक बार संडे को ये काम आ गया।
ए साद ओ तो तो साद दादा पानी भी नहीं बग जा पूरा गिर जा कैमरा दे मुद्दा अकबर बेसी बात निकल अरे वो आता नहीं कर चालत असेल ना हा दुनिया बघताय
आवाज जाते आवाज पडला ना तर तुझ्याशी बोलून घे गाडी तुझी गाडी माझी ना अलींची गाडी तुझ्याशी बोल म्हणते हो साऊंड ऑफ करून मेसेज येतात आवाज नाही आ रहा काय ऐका पण आवाज लगेच कमी देत कहीं कहीं पे भी मॉर्निंग भी नहीं है ना। हाँ सही बात कोई तो उठे भी नहीं लाइव देखेंगे तो ऐसे मतलब फील आएगा कि लाइव उधर भी चल रहा है साउंड आ रहा है हेलो हेलो समझ तो आएगा शान बकते दिख रहे कशी गेली माहिती नाही बघायची रडेल ना दोनशे बघा
वही रात में शाम में वो इतनी दिन निकला ना सर रात में मैं रात में ये लोग आए थे अरे भाई वो है कल पास है तू दाम तू सोड़त नहीं तो सन क्या करना नमाज लिंक है।
असली अच्छा अच्छा सही लोग कैसे खाली वक्त अंडर केस मारा तो गाड़ी और अपने मन को पकड़ने में कितनी देर लगा गाड़ी खरीद ले जाऊन लोग पड़े मांगे इधर थोड़ा इधर देखा लाइव चल Thank you.
Thank you.
सर कंप्यूटर
इंटरेक्शन बनाना चाहिए। तो आप में से कोई अपनी एडवाइस कोई बात शेयर करना चाहे तो आप क्या करते हैं इसी आपकी कोई एडवाइस नहीं? आप सब तो इधर नौजवान इधर आए सब लोग बैठ गए नौजवानों को इधर आइए जी बोलिए जोर से बोलिए
बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, 24 घंटे मस्जिद आबाद रहे और 24 घंटे मस्जिद आबाद रहे, कुछ लोग हैं जो मस्जिद आबाद करेंगे, 24 या मस्जिद में कुरान की तालीम हो तो छोटे बच्चे जाके कुरान पढ़ेंगे। और मेरा हक क्या है मस्जिद का, ये मस्जिद की दरो दीवार का मुझ पर हक क्या है? मस्जिद की देखभाल साफ सफाई बहुत अच्छा माशा है। और जी तो मस्जिद सुनता है, देखिए एक अहम अमर की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, ये सारी बातें दुरुस्त है। हक जो है ना वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनडायरेक्ट होती है। शिप वाले हैं अगर उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक इंजन का इंजीनियर होता है, लेकिन उसका जो कैप्टन होता है वो ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मस्जिद के हुकूम में डायरेक्ट हक ये है कि जब हम मस्जिद से बाहर से अंदर दाखिल हों तो क्या करें, दुआ पढ़ के दाखिल हों, बहुत अच्छी बात है। और कौन बोला दो रकात, किसने बताया? तहियतुल मस्जिद की, तहियतुल मस्जिद की दो रकात नमाज पढ़े, तहियतुल मस्जिद की दो रकात नमाज पढ़े। अब देखिए मैंने बात किया था कि ये मुसाकरा है, डिस्कशन है, इसलिए इसमें शर्माने की बात नहीं। जिंदगी बहुत है, मौत के आखिरी वक्त तक एक अमल अल्लाह के नज़दीक कबूल हो तो बेड़ा पार है। आज किसने किसने तहियतुल मस्जिद पढ़ा है? कभी तकल्लुफ नहीं शर्म जी, किसने किसने नहीं पढ़ा है? तो एक अमल कर लेते हैं, अगर आप हजरात को एतराज ना हो, एक शवाफे में तहियतुल मस्जिद का हुक्म है कि फौरन पढ़ना चाहिए, लेकिन भूल गए बैठ गए तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना ठीक है कि सब हजरात जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो रखा तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, उसका फ़ायदा ये होगा ना, बड़े हजरात में उसका फ़ायदा ये होगा कि आइंदा हमेशा याद रहेगा कि भाई गुंबद मोहल्ले की क्या ना मस्जिद का, दरिया मस्जिद, दरिया मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था और एक नौजवान से आम मौलाना आए थे और तहियतुल मस्जिद की, क्योंकि ये मस्जिद का हक है। और जो लोग गल्फ में रहते हैं ना, दुबई से हो गया, आप देखिए हनाबिला हम्बली के यहाँ तो वाजिब है, जैसे मस्जिद में दाखिल हो कोई बात नहीं कुछ नहीं, पहले तहियतुल मस्जिद। हमने इतनी शानदार मस्जिद बनाई, बयान किया, तहियतुल मस्जिद ही नहीं पढ़ी तो कितनी गलत बात है। तो जो हजरात नहीं पढ़ सके हैं वो दो दो रकात पढ़ लें, वजू तो सबका ही होगा, ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह बैन शुरू करेंगे। और जो पढ़ चुके हैं वो आगे आ जाएँ, जो पढ़ चुके हैं वो आगे आ जाएँ, और जो नहीं पढ़े हैं वो दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। जिनका वजू नहीं है जल्दी से वजू भी कर लें, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा, आपको भी अजर मिलेगा मुझे भी अजर मिलेगा। बातें न करें, बातें न, हाँ चालू करता है।
को बता देना ठीक है। हाँ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
और अजीज भाई ना, इस मस्जिद के इफ्तिताह की मुनासबत से हम सब यहाँ जमा हैं। और सैकड़ा वो बस्ती है कि जब से हमने शोर संभाला है उस वक्त से इसका नाम सुनते थे। सच्ची बात तो ये है कि रमजान मुबारक के करीब होने की वजह से और बम्बई जो है ना वो एकदम बिजी सी भी हो गया है। हुजूम उल अशगाल उसको कहते हैं, इतने सारे जिम्मेदारियाँ, इतने सारे काम। तो मेरे लिए यहाँ आना बहुत आसान नहीं था, लेकिन एक ख्वाहिश थी बहुत ज़माने से कि सैकड़ा जाना चाहिए, बस्ती को देखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती भी देखी और अहले बस्ती को भी देखा। मेरा ख्याल है कि अच्छे लोग हैं। आपका क्या ख्याल है अपने बारे में? हाँ अच्छे हैं ना, मुझसे बोलो। शक है कुछ अपने अच्छा होने के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ नाहियों से, मुख्तलिफ अलग अलग नौयतों पर बस्ती का नाम हम सुनते रहे। चूँकि हमारा रत्नागिरी, राजापुर, लांजा आना जाना होता है, तो सोचते थे कि कभी जाएंगे, लेकिन एक तरफ होने की वजह से कोई ऐसी नस्बत नहीं बनी। आज पहुँच गए, अल्लाह ने आज वो चाय हमारे हिस्से में रखी थी। तो उस मुनासिबत से कहते हैं ना कि जिसका दाना जहाँ हो वहाँ तक वो पहुँचता है। हमारे वालिद साहब मजगाँव डॉक में थे, तो यहाँ भी कुछ लोग होंगे उस ज़माने में डॉक के अंदर। उस ज़माने में एक वहाँ 1970s की बात है कि पारसी रहते थे। पारसी आज भी आप जानते हैं कि पारसी लोग बहुत मानदार होते हैं। तो एक पारसी चने खा रहा था, मानदार तो रहते हैं लेकिन बादाम की जगह चने खाते हैं। और अपने बोगी भाई थोड़ा पैसा कमाए तो चने और बादाम के उसके आगे का क्या हो, अब उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर। अब चने खा रहा था तो चने खाते खाते एक चना जो है ना नाक के अंदर चला गया। और ये हकीकी वाकया है, इसके अंदर एक रुख मजाक का भी है लेकिन हकीकी वाकया। चना चला गया। अब वो पारसी जो कौम है जो मौत से बहुत डरती है, बीमारी से बहुत डरती है। जो लोग जानते हैं मुंबई में बड़े बड़े मकान, औलादें बहुत कम होती है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है। अब उसे किसी दाना निकालने के चक्कर में दाना और अंदर चला गया। वो बीवी को बुलाया, बीवी ने कुछ वो जो लकड़ी उकड़ी रहती है उससे दाल कर निकाला और अंदर चला गया। अब दोनों जितनी मेहनत करते निकालने की उतने में वो इतना ऊपर चला गया कि एकदम उस जगह पहुंच गया जहां सांस आदमी की रुकती है। परेशानी हुई, फौरन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, वो भी डॉक्टर ऐसा ही था, कोई बहुत एम्बीबीएस 70s 80s में तो ये सूरत नहीं थी। तो वो करने करने में और गड़बड़ हो गई, दाना ऐसी जगह जाके बैठ गया कि जब ऊपर उतरे ना नीचे निकले। हमारे वाले साहब कहते हैं कि बाद में टेक्नोलॉजी उतनी बॉम्बे में हाईफाई नहीं थी, ये बहुत पैसे वाला था, तो फौरन जो है जर्मनी का इसने मतलब टिकट बनाया और वहाँ इलाज के लिए गया। बोले बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, वरना नाक होगी ये होगी। वहाँ पहुँचे भाई साहब, और जो डॉक्टर था ना वो बिल्कुल मतलब ये बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तालीम याफ्ता, लेकिन नेचर और ये एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक का माहिर था, यानी ऑर्गेनिक तरीके से इलाज भी करता था। तो उसके क्लिनिक के बाहर मुर्गियाँ बकरियाँ ये भी सब होती थी। अब ये साहब क्लिनिक के बाहर इंतज़ार में, अपॉइंटमेंट मिला हुआ है डॉक्टर साहब के इंतज़ार में। बम्बई में तो खैर लंबा कहानी है कि बहुत सब कोशिशें कर दी, ठीक आए या आए वो आए तो दाना निकला नहीं। वहाँ जब वो डॉक्टर के इंतज़ार में बैठे थे तो इतना शरीर दुखने लगा और जोर से छींकाई और दाना निकल गया। निकलते वहाँ एक मुर्गी थी, उसने वो दाने को उठाया खा लिया। तो किसी ने लिखा है कि वो मुर्गी का दाना बम्बई इसके घर पे पहुंचा था
खतर वो जर्मनी वाली का था, अल्लाह ने इंसान को मुतायन किया, इतने हजार का खर्चा लगाया, वहां उसको जाकर वो दाना पहुंचाने की जिम्मेदारी हुई। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि सुहा, कुरान की आयत है। इस जमीन में जितने चौपाई इंसान नहीं, जितने जानदार हैं, सबकी रोजी की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने। अल्लाह के जिम्मे है कि उसकी रोजी उसको पहुंचा करें, चाहे वो शहर में रहे, चाहे देहात में रहे, चाहे मुंबई में रहे, चाहे लंदन में रहे, जो मुकद्दर लिखा है वो पहुंच कर रहेगा, और जो मुकद्दर में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। पर ये तो इंसान है, आप पानी के करीब रहते हैं, आपने पानी की बड़ी से बड़ी मच्छी कितनी बड़ी देखी है? आपने कोई बुजुर्ग कोई पुराने 500 किलो की, 1000 किलो की, 10000 किलो की, 1000 किलो की देखी और उससे बड़ी? एक वाक्य लिखा है किताबों में, कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी, ला यबगी अहद मिन बादिही, कुरान की आयत है कि हजरत सुलेमान के बाद वो हुकूमत किसी को नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ना तख्त वो हवा में उड़ता था, जहां जाते थे वहां जाते थे, उनकी हुकूमत जिन्नात पर नहीं थी, जिन्नात को भी ऑर्डर करते थे। ये जो फलस्तीन में जो मस्जिद अक्सा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नातों ने तामीर की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रौब ऐसा था कि लकड़ी के ऊपर खड़े हैं और जिन्नातों के काम को देख रहे हैं, जिन्नात की मजाक के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंख में आंख मिलाए। आज भी जो ये बावा अमलियात के जो चक्कर है ना, अल्लाह हम सबको इससे बचाए, बहुत खतरनाक चक्कर है। और मैंने सुना है कि ये जो समंदर के किनारे जो ज्यादा गांव होते हैं ना, वो इन चक्करों में ज्यादा होते हैं, अपने आप को इन चक्करों से बचाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है ना जिन्नातों पर भी हुकूमत थी, जिन्नातों को तामीर के लिए लगाया और खड़े रह के लकड़ी पर टेक लगा कर, जमाने की उनकी आशा का टेक लगा कर, उसी हालत में उनकी उनका बुलावा आ गया, उनकी वफात भी हो गई, टेक लगा के खड़े। जिन्नात की हिम्मत नहीं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में देखे कि इंसान हयात भी है या नहीं। कई वफा गुजर गया, बास किताबों में आता है कि कई दिन गुजर गए और वो लकड़ी को दीमक ने नीचे से काटना शुरू किया, बाद में वो लकड़ी जब कमजोर हुई गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तब पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की औकात पहुंच गई। जबरदस्त हुकूमत थी ये, उनका जो तख्त था ना, कई हजार मखलूकात इस तख्त के ऊपर रहती थी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पता था चलो तो चलना, किसी इंजन की जरूरत नहीं है, पायलट की जरूरत नहीं है, और जो फ्यूल की जरूरत नहीं है कि बोले पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी नहीं चढ़ेगा, बस हवा पे हुक्म था, वो हुक्म के साथ वो तख्त चलता था। और जब तो जैसे हम लोगों के यहाँ से फ्लाइट ऊपर से जाता है, कभी देखा होगा आपने सांता क्रूज के करीब जो फ्लाइट ऊपर से जाते हैं ना, तो रोड पर उसकी शुआ पड़ती है, धूप के वक्त में अगर फ्लाइट के परिंदा ऊपर से जाए तो उसकी शुआ पड़ती है नीचे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था तो उसकी शुआएं नीचे आती थी, यानी उसके नीचे सिर जिसको कहते हैं, जिसका साया कहते हैं। तो ऐसे गाँव का एक सीधा साधा इंसान था, बकरियां चला रहा था रेगिस्तान के अंदर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ऊपर से जा रहा था। ये इतनी अजमतुल की बात है, ये बहुत प्यारा नेक अल्लाह वाला इंसान बकरियों को चला रहा था, सुभान अल्लाह, क्या कहा दरअसल एक मतलब है सुभान अल्लाह, अल्लाह को सुलेमान को क्या मतलब दिया। आप किसी का घर देखते ना, उनका घर बहुत बड़ा है, बोल रहे इतना है, इतना साथ ना है, एक जिल में जलन पैदा होती, हसद पैदा होती, मोहब्बत नहीं पैदा होती, मोहब्बत की निगाह नहीं, इसने मोहब्बत की निगाह से सुभान अल्लाह का क्या कहा सुभान। ये आवाज हवा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। सूरह नमल है ना, नमल, नमल के माने क्या है,
आपके यहाँ तो सुना माशाल्लाह वो जो है ना कुरानी क्लासेस भी होती हैं और क्या कहते हैं उसको अंडरस्टैंड कुरान भी होता है, तो नमल किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमल? एंड चूटी, और चूटी का जो डिस्कशन है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ कुरान में उसका जिक्र है कि चूटी ने क्या कहा, वो वाकया मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ वरना बात लंबी हो जाएगी। तो इस बंदे ने कहा कि ओहो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुलेमान को क्या हुकूमत दी है, वो आवाज उनको पहुँच गई। हजरत सुलेमान सलाम ने कहा कि तख्त उतारा जाए, रेगिस्तान में तख्त उतारो, कहा कि उस दरबारे को बुलाओ। अब आज के दौर की बात नहीं थी, उस जमाने में बादशाह का एक रौब होता था। अभी क्या मौलाना साहब आए, कौन सा रौब है, क्या है, कोई देखे हुए कोई आए, मुंबई से आएंगे और जाएंगे, अब तो खाने के लिए आए, खाना खाएंगे, अब उनके अपने घर पर जाएंगे। तो मकसद हमारा अपना फायदा क्या है? देखो खाना तो जिमनन है और जो मुकद्दर है वो तो मिलेगा, लेकिन हमें क्या फायदा हो रहा है इस मजलिस से, हमने इतना टाइम डाला, इसका क्या फायदा है? सुलेमान सलाम ने ये बात सुनी, तख्त को उतारा था और चरवाहे को बुला कांपने लगा, सामने खड़ा किया गया, तब ने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा सिवा इसके कि एक जुमला था सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुलेमान को क्या हुकूमत दी। खौफ के मारे थरथर कांप रहा, कहा सुन ले और तेरे साथ जितने सुनने वाले हैं सबको बताता हूँ कि सुलेमान की जो हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक और इतनी शहनशाहियत है, ऐसी दौलत है, ये हुकूमत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, सुलेमान का रौब ख़त्म हो जाएगा, उसकी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, उसकी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तूने जो सुभान अल्लाह कहा है, उस एक सुभान अल्लाह पर अल्लाह तुझे जो इनाम देंगे वो सुलेमान की हुकूमत से ज़्यादा होगा। हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह जन्नत में उसको एक दरख्त देते हैं, वो दरख्त का साया इतना बड़ा होता है कि एक अरबी घोड़ा अगर उस साये में, साया समझते हैं ना, साया, साया का बदल तो सावली, सावली तो सावली में वो साया जो है ना उसमें अरबी घोड़ा अगर दौड़ना शुरू करेगा, एक रिवायत में 100 साल और एक रिवायत में 500 साल, कि अरबी घोड़ा का मतलब ये है कि आज जैसे मर्सिडीज कार है ना, अरबों की उस जमाने में अरबी घोड़ा होता था जो बहुत तेजी से दौड़ता है, वो 500 साल तक दौड़ेगा लेकिन उसके साये की यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। एक सुभान अल्लाह पर अल्लाह उस मंदिर को इतनी बड़ी जन्नत देगा, समझ में आता? तो एक है दुनिया की मादी हैसियत और एक है अल्लाह के कलाम की आज़मत। ऐसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन ख्याल आया, अल्लाह से बात करते थे, नबी थे, ए अल्लाह मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अब जैसे आज माशाल्लाह कौन सा मोहल्ला है, गुंबद मोहल्ला, गुंबद की कुछ खास की वजह तस्मियाँ होगी, कौन सा गुंबद था ये हिस्ट्री भी देखना चाहिए, कितने दरगाहें दरमियान में मिली हमको दरगाहों की हिस्ट्री देखना चाहिए, तारीख देखना चाहिए, हम लोग अपनी तारीख से बिल्कुल नाशना हो गए। मैं जामा मस्जिद मुंबई में, दुबई में बहुत साल अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश क्रिश्चियन स्कूल में टीचिंग करता था, फिर मैंने किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाज से मास्टर किया, उसके बाद एक जज्बा दिया कि वहाँ रहकर क्या पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हाथा किताब तारी का वर्द दिल का भी सब यही पढ़ा है, तो चलो जामा मस्जिद मुंबई में। जामा मस्जिद मुंबई के अंदर मैनुस्क्रिप्ट से खास से लिखी हुई किताबें हैं और 200, 250, 300, 500 साल पहले एक नुस्खा तो हमारे यहाँ 840 साल पुराना है, एवेसीना इब्न सेना के ज़माने का, तो उसके अंदर ओपनी स्कॉलर्स भी है, हमारे ताज्जुब की बात थी। हत्ता कि हमारा गांव इब्राहिम पट्टन हरचली बंदर छोटा सा गांव है, आपका तो माशाल्लाह ये दरिया बहुत बड़ा है, हमारा तो छोटी सी नदी है वो भी सूख जाती है, लेकिन 200-250 साल पहले वहाँ स्कॉलर्स थे, उनके हाथ की लिखी हुई इतनी बड़ी बड़ी किताबें जामा मस्जिद मुंबई में मौजूद थी।
तो हमने ये काम शुरू किया कि मालूम करें वैसे तो सैकुड़ा की किसी ने हिस्ट्री लिखी है क्या? तो आप में से कोई एक नियत करो जो स्कॉलर हो, खुद लिखे नहीं किसी से लिखवाए, तो कौन करता है? नियत करो, अल्लाह आसान करेंगे। मैं तो सोचता हूँ नौजवान में नियत करनी चाहिए। देखो हिस्ट्री ऐसी चीज है, आप समझते हैं कि जिस तरीके से इंसान का दिमाग है ना, ऐसे कौम का दिमाग उसकी तारीफ होती है। अगर दिमाग की एक भी रग दाएं बाएं हो जाए तो इंसान बेमाना हो जाता है। ऐसे हमारी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। हमको पता ही नहीं है कि शिवाजी के दौर में मुसलमानों की अहमियत और हैसियत क्या थी, और मोहम्मद इब्ने कासिम के दौर में मुसलमान कैसे आए थे, और मुगलों ने यहाँ पर क्या क्या किया है। हमने पेश ही नहीं किया हमारे अखलाक, हमारी तालीमात, हमारा किरदार, हमारी हैसियत, और उन्होंने हमारी हिस्ट्री को तब्दील करके दूसरी तरीके से पेश किया। हमको पता ही नहीं कुछ क्या हमारे दादा परदादा ने किया क्या था, हमारे लोगों ने किया क्या था, हमें टाइम ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है और मुश्किल है कि इज्तिमाई तौर पर आप खड़े होकर ऐलान करें। कोई बात हिम्मत हो ना, अल्लाह उसके लिए आसान करते हैं, लेकिन कहना चाहिए कि मैं कोशिश करूँगा। कोशिश जब इंसान करता है, हमारी हमारे खानदान का शजरा, मुझे मालूम पड़ा कि खानदान का शजरा बहुत पहले था, पित्तल पे लिखा हुआ था, मैंने उसको तलाश करना शुरू किया। तो गावा के लोग, गावा तुम हो घर, वो लकड़ी के बड़े बड़े संदूक, उसके अंदर अच्छा गाँव में वाले को क्या लगता है कि कोई खजाना ढूंढने आए, कोई सोने का बड़ा पित्तल का जो है ना वो ढूंढने आए, कहा भाई हमको कुछ खजाना नहीं चाहिए। हमारा सैदापुर वाल साहब का गाँव, वहाँ गए तो उन लोग को ऐसा लगा कोई जमीन जायदाद के पेपर निकालने वाला, अल्लाह के लिए हमको कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए, हम तो ये शजरा ढूंढने आए हैं। 3 साल तक ढूंढते रहे, ढूंढते रहे नहीं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। बम्बई में हमारे रिश्तेदार रहते थे, उनके घर पर गए, वहाँ बहुत उम्मीद थी, तो कहा कि नहीं यहाँ भी नहीं, तो उतनी बहुत नर्वस हो गया, नाउम्मीद हो गया। इतनी मेहनत के बावजूद किसी ने महसूस नहीं किया, पूरा खानदान। अब हमको पता नहीं है कि 47 के हालात क्या थे और कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ मुंतकिल हुए, ये सब कुछ नहीं पता क्यों लोगों ने ऐसा किया। ये जो पित्तल के ऊपर शजरा लिखा था ना, वो पित्तल को लोग क्या करते थे, वो जो बर्तन देने को आते हैं या चना देने को आते हैं, उसको चने वाले को दे दिया, उससे 500 रुपये लिए, ओके, उसने उसको वो जो रहता है पित्तल को क्या करते हैं, लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड बना सारा का सारा होना खत्म। उस घर से बाहर निकलना था, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, घर की बुजुर्ग खातून कहती थी वर्ती पर लपट लीजिए पेपर असर क्या कैश है, वो वापस अंदर आ, हाँ निकालो शायद वो होगा। उसको पेपर निकाला गया तो पूरा शजरा जिसके अंदर पूरे नस्ल का जिक्र था कि वालिद कौन, दादा कौन, परदादा कौन, और ऊपर तक 50 नस्ल तक, ऊपर तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ही पूरे खानदान के नस्ल का। तो आप में से कोई एक तो होगा हौसले वाला, कोई एक तो होगा हिम्मत वाला कि सैदुड़ा वालों की हिम्मत खत्म हो गई। तो एक तो ये अपने गांव की हिस्ट्री बनाइए कि गांव की तारीख क्या है, यहाँ पहले के हालात क्या थे, पहले के स्कॉलर्स क्या थे। बहरहाल ये बात जो है ना, ये तो बीच में आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता, तो कहा के नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन के बाद दरखास्त की कि अल्लाह दावत करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन के बाद दरखास्त की कि दावत करना चाहता हूँ, तो कहा सुलेमान तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी इसरार पर हम इजाजत देते हैं। तो कहा एक हफ्ते की दावत है अल्लाह, तो सुलेमान को जिन्नात इंसान सब बैठ गए, नहीं एक हफ्ता नहीं कर सकते। कहा दो वक्त की दावत, एक दिन की दावत, नहीं कर सकते। एक वक्त की दावत, ठीक है चलो एक वक्त की दावत की हम तुमको इजाजत देते हैं। जब इतने एहतमाम से बताया गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि दावत में बहुत बड़ी आर्मी आने वाली है,
खाली से थोड़ा वालों की दावत नहीं है बल्कि पूरे इंसान और जिन्नात और सारी मखलूक की दावत है। तो 6 महीने तक ये इसराइली रिवायात की किताबों में आता है। जरूरी नहीं है कि ये किस्सा कोई हदीस की किताब में हो। आप समझ लीजिए हदीस के कबूल और रद्द करने का एक मेयार है, ज़ईफ कवी हसन एक मेयार है। और किस्स जो किस्से होते हैं ना, इसका ताल्लुक हमारे किसी इबादत और अमल से नहीं है, इसका ताल्लुक इसके अंदर जो वाकई की हकीकत है उससे है। इसलिए तफसीर राज़ी में, तफासीर की किताब में, या सीरत की किताबों में, या तारीख की किताबों में, तारीख इब्न शाम और तारीख इब्न सीर वगैरह बड़ी बड़ी तारीख की किताबों में उसके अंदर जो वाकयात आते हैं उसके अंदर सनद इतनी कवी नहीं होती। तो ये आपको वजाहत पहले मैं कर देता हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि दावत बहुत हो चुकी, 6 महीने तक दावत का इंतजाम किया और जिन्नातों को लगा दिया गया, दुनिया भर के जानवर काटे गए, बड़ी बड़ी जंगलात खाली कर दिए गए, देख के देख बनाई जा रही है। अब हमारे जहन में आएगा कि अपनी देख तो एक दिन के बाद खराब हो जाएगी। तो जो टेक्नोलॉजी हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, फ्रिज में रखते तो खराब होती है, उनके पास भी इससे पावरफुल टेक्नोलॉजी थी। आप एहराम मिस्र देखिए, एहराम मिस्र को क्या कहते हैं इसमें, पिरामिड्स। पिरामिड्स वो टेक्नोलॉजी आज के लोग कर सकते हैं। जामा मस्जिद मुंबई को देखिए, उस दिन हमने देखा कि पत्थर निकाल के साइड में रखे तो मैंने हमारे जो जिम्मेदार थे उसको क्या करेंगे, पर इसके ऊपर अपन जो है ना वो फूल वगैरह रखेंगे। मैंने पत्थर कितने ही लोग आपको पैसे लोग ना 125-150-200 किलो के पत्थर है, तो 200 किलो का पत्थर ऊपर देखे कैसे दे रहे होंगे। तो जो टेक्नोलॉजी आज है ना उनके पास भी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। तो हवा को हुक्म दे दिया गया कि जहाँ खाना तैयार हो जाए उसके ऊपर हवा का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, हवा का हुक्म था, फ्रिज में वही होता है। इस तरीके से 6 महीने तक खाना तैयार हो, कितने महीने कितनी डेग बनी होगी सोचो जरा, और डेग भी कैसी होगी, वो अजमेर की डेग अपनी बहुत मशहूर है ना, तो वो भी कुछ नहीं होगी, उससे भी कितनी गुना बड़ी डेग होगी। वो इतने लोगों को दावत देना है, खाना तैयार हो गया। जब श्रीमान अलैहिस्सलाम ने घोड़ा निकाला और सुबह से लेकर घोड़ा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फजर से लेकर जोर तक ठीक के देख खाना ही खाना है, उनको थोड़ा इत्मीनान हो गया कि अभी अपनी दावत कर सकते वापस आएगा कल सबकी दावत। तो श्रीमान सलाम ने रात से बात की, अल्लाह किससे शुरू करो, इंसानों से शुरू करो या दूसरी मखलूक से शुरू करो, पानी की मखलूक से या हवा की मखलूक से या जंगलात की मखलूक से। कहा सुलेमान तेरा दिल जहां से करे वहां से शुरू कर, तेरा दिल जहां से चाहे वहां से शुरू कर। तो पानी समंदर देखकर मुझे याद आया, समंदर पहले पानी की मखलूक को निपटा देते, मच्छियां हैं आके खाके चली जाएगी। तो कहा पानी की मखलूक से शुरू कर दे, इससे पूरी मखलूक का बनाया हुआ खाना एक मछली साफ कर गई। फिर उस मछली ने कहा तो सुलेमान मेहमान का हक है कि जिस जगह दावत हो ना उसको पेट भरकर खाना खिलाया। हक की बात कर रहा ना, अभी आज मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे बोले कि भाई एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी इतना ही खाना देंगे, सही बात है गलत है ना, ऐसा करेंगे नहीं, यहाँ तो दावत में बहुत सारी है, वो बोलते इधर चलो वो बोलते इधर चलो, एक बात बता। तो मछली ने कहा सुलेमान सुलेमान मेरा अल्लाह मुझे रोजाना ऐसे 3 निवाले खिलाता है, अभी मैंने एक ही निवाला खाई हूँ, 2 निवाले अभी और बाकी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए कि ये तो अल्लाह का निजाम है, वो अल्लाह जो शहर वालों को खिलाता है वही अल्लाह गांव वालों को भी खिलाता है। ये बात समझने की है कि रोजी हमारी मुतय्यन है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है, शर्त है, उससे मुमानात नहीं है।
लेकिन वो असल नहीं है, वो असल नहीं है, ये असल है। जिस अल्लाह के बंदे ने मुझे नाम भी बताया था, क्या नाम था उनका जिन्होंने मस्जिद बनाने में कोशिश की, अब्दुल शकूर, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके वो आला इल्तिहीन में जगह अता फरमाए, अब्दुल शकूर इब्राहिम चिलवान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम दुआओं में याद रखे नहीं रखे, ये मस्जिद की दर व दीवार उसको इनको याद रखे। हर नमाजी जो नमाज पढ़ने आएगा उसका अज्र उनको डायरेक्ट, आप बोलो नहीं बोलो, हम अल्लाह हमारे बोलने के मोहताज नहीं है। अच्छा काम किए कि नहीं किए हमको करना चाहिए। आप कैसे कौन कौन मस्जिद बनाएंगे, डरते वो पैसा कितनी पैसा लगे था, 15-20-25 लाख रुपए में क्या होता, पैसों से नहीं बनती मस्जिद, जज्बे से बनती। किससे बनती है, नियत करो, सब नियत करो कि हम बनाएंगे, सब हाथ उठाओ, अभी भी डरते हैं, सब उठाओ हाथ, मस्जिद में बनाएंगे, किसी यतीम का घर बना देंगे, किसी बेवा की जिंदगी के मामलात को बेहतर कर देंगे, किसी प्यारे छोटे से बच्चे जिसका तालीम का मिजाज अच्छा है आपने उसको इंजीनियर बनाया, किसी एक बच्चे को आपने हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया। और हमारे मस्जिद में ज़कात का भी निज़ाम बिल्कुल खराब हो गया। ज़कात का मकसद था अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी को गुरबत से उठाना, हम और गरीब बनाए और भिखारी बनाए। मेरी ज़कात निकलती है 20,000 रुपये, मैंने उसके 200 रुपये 500 रुपये बल्कि बम्बई से चिल्लर मंगाते, चिल्लर 10 रुपये 5 रुपये 25 रुपये बांट बांट के। अब लोगों को पता है कि 50 घरों से पैसे जमा करना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, उससे बेहतर होता कि 10 लोग मिलकर, चलो ठीक है कुछ तकाजे हैं, आधी ज़कात यहाँ, आधी ज़कात जमा करके अपने एक बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना देंगे, एक बच्चे को आलिम दीन बना देंगे, एक बच्चे को लॉयर बना देंगे, एक बच्चे को इंजीनियर बना देंगे, वो एक बच्चा तालीम हासिल करके पूरी कौम का असासा बनेगा। ये तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, किसी के घर के सामने कुछ कचरा जमा है उसको तो हटा सकते हैं। हमारा काम ये है कि अपने घर के सामने का कचरा दूसरे के घर के सामने डाल दें, ये हमारा काम हो गया। जबकि पड़ोसी का हक क्या है, आपस में बहन का हक कि बाप की प्रॉपर्टी में बहन का हक है कि नहीं है, देते हैं सर, पाबंदी से देते हैं, बहन का हक देते हैं, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों का हम पर हक है, बच्चे जैसे नेमत है ऐसे अमानत है। अब माशाल्लाह इतनी शानदार मस्जिद बनाई है, इस शानदार इतने अच्छे झूमर, इतनी अच्छी एसी, अब तो माशाल्लाह एसी भी लगने लगे, पंखे भी शानदार, झूमर, अब शानदार इमाम चाहिए। अब शानदार इमाम आपको 5,000 रुपये में मिलेगा, 7,000 में मिलेगा, सोचे जरा सोचे। ये बिल्डिंग बनाना दौरे नबी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी थी आपको पता है, कैसी थी जरा बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी थी, बारिश होती थी तो पानी टपकता था, ये जो फर्श है ना ये फर्श नहीं होता था, और जब सजदे में जाते थे तो कीचड़ ना लगता था, पेशानी पे लगता था। हम लोग कभी कीचड़ में नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाजी कैसे थे, ऐसे नमाजी थे कि अपनी 2 रकात से अपने मस्तैन बना लेते। पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद पुख्ता नहीं हुई, छप्पर था ऊपर जिसके अंदर जो है वो बांस लगे हुए थे, बांस, और वो भी कुछ हिस्सा था, बाकी हिस्सा तो खाली था, छत भी नहीं थी ऊपर। लेकिन नमाजी कैसे थे, इमाम कैसा था, इमाम अलबी सैयदुल मुर्सलीन। अक्सर लोग ये जो दुनिया और दीन की तकसीम हमने कर दी है कि ये दुनियावी तालीम, ये दीनी तालीम, ये लॉयर, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये कैप्टन, ये मौलवी, ये मुफ्ती, ये हाफिज, ये फानी तकसीम कर दी है, शरीयत में ये तकसीम नहीं है। उस जमाने में हाफिज कुरान भी होता था और तबीब भी होता था, हाफिज कुरान भी होता था और मुहंदिस, मुहंदिस के माने इंजीनियर होता था, आलिम दीन भी होता था और लॉयर भी होता था, ये कंबाइंड नॉलेज था, कंबाइंड दोनों एक साथ होती थी।
ये हमने तस्लीम कर दी, और इस तस्लीम की वजह से हमारी कौम का जो गुर्बत का और तालीम का मैयार गिरते गिरते कहाँ गिर गया है। आज कहा जाता है कि जो निचली जात जिनको कहना भी कानूनी तौर पर मना है, उससे ज्यादा मुसलमान गुर्बत और तालीम में नीचे आ चुका है। तो मैं मस्जिद नहीं बना सकता, मैं किसी एक बच्चे को डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी एक बच्चे को इंजीनियर बना सकता हूँ, किसी एक गरीब के घर का छत बना सकता हूँ। मस्जिद शानदार बनाई, सामने एक यतीम रहता है, उस यतीम के घर में दो दिन के खाने का इंतजाम नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आड़ोस पड़ोस के रहने वालों से पूछेंगे। हकीकी वाकया लिखा है कि एक यतीम अब बेवा माँ अपने चंद यतीम बच्चों के साथ पड़ोस में रहती है, पड़ोसी के घर में इफ्तार की दावत हो रही है, समोसे और कटले और पता नहीं क्या क्या आइटम बन रहे हैं, दावत पे लोग आए हैं। उस पड़ोसी के घर पर उसके यतीम बच्चों तक भी इसकी खुशबू आती है, लेकिन उस मालदार को ये ख्याल नहीं होता कि मैं इफ्तार में अपने यतीम पड़ोसी के घर पर भी कुछ भेज दूँ। वो बच्चे इफ्तार में बैठे हैं, खजूर हाथ में है और पानी हाथ में है, छोटे बच्चे पूछते हैं कि अम्मी बाजू से कोई इफ्तार नहीं आया है, माँ कहती है कि नहीं बेटा, उनके घर पर दूसरों की दावत है, हम उस दावत में बुलाए नहीं गए हैं। इफ्तार के वक्त में उन यतीम बच्चों के दिल से जो आह निकलती होगी, वो आह इस मालदार को कहाँ लेकर जाएगी। दरअसल बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, बड़ी शान और शौकत से करते हैं, मालीपुर की है, बोले बावला दावत और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसी बच्ची की क्लास में पढ़ने वाली उसकी सहेली, जिसके बाप का जब वो आठवीं में थी इंतकाल हो गया है, दसवीं में थी इंतकाल हो गया है, मैं मुंबई के सच्ची वाकया बता रहा हूं, कोरोना में 7 बच्चों के माँ बाप, उसमें 6 बेटियां और 1 बेटा, वो भी सबसे छोटा, बड़ी बेटी 19 साल की, और माँ और बाप दोनों का इंतकाल हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई रिश्तेदार देखने वाला नहीं। तो वो सहेली 8वीं में अपने वालिद का इंतकाल हो गया, अब सहेली सहेली है, दोस्त है, मिलने जुलने वाली, रोज आती है, बहन ने बताया कि मेरी शादी तय हो गई है, मेरे लिए ये डॉक्टर और ये इंजीनियर बच्चा हमारे इंतखाब में आया है, शादी की दावतें हो रही, खाने की दावतें हो रही है। वो यतीम बच्ची भी उस दावत में अपनी सहेली के घर पर जाती है, और वो दावत में शरीक भी होती है, सामने मुस्कुराती भी है, लेकिन जब रात में घर पहुँचती है तो दिल में ख्याल होता है कि आज मेरे बाप होते तो मेरा भी ऐसा जो है शादी का इंतजाम होता, मेरे लिए भी मुनासिब रिश्ते का इंतजाम होता, और उस मालदार के जहन पर भी नहीं आता कि मैं अपनी इस बच्ची की शादी के साथ 2-4 गरीब बच्चियों की शादी कर दूं। कर सकते नहीं कर सकते, क्या सूरत हाल बन गई है। मुझे मेरा घर शानदार बनाना है, सामने यतीम का घर है, बेवा का घर है, माजूर का घर है, लेकिन उसके घर पर जाकर देखने के लिए हम तैयार नहीं। और ज़कात के 200-400 रुपए देकर ऐसा एहसान जताते हैं, सलामना गिलास है, सलामना गिलास मिला, यानी सलाम करने के लिए ज़कात दी थी तुमने। तो ये सोचने की बात है कि अल्लाह के घर का पैगाम है कि मोहल्ले और बस्ती के अंदर दीनी शुरूर पैदा किया जाए। सिर्फ दीनी तालीम के बच्चे को मकतब में भेज दिया, उसने पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, उससे दीन नहीं आता। दीन तो पूरे शोबाए जिंदगी का नाम है, जिसमें ईमानियात, इबादत, मामला, मुआशरत, अखलाकियात, ये सारा निजाम है, लेकिन शुरू तो मकतब से होगा। अब माशाल्लाह इतनी शानदार मस्जिद बनाई है, क्या इस मस्जिद के अंदर बच्चों की तालीम का इंतजाम है? मकामी लोग बताएं। अभी नहीं है, तो एक मोहल्ले में 2 मस्जिद है जी, उधर की मस्जिद में मकाम आते हैं, इमाम सर है वो पढ़ाते हैं। अच्छा, तो तालीम का इंतजाम मस्जिद में करें, और बेहतरीन इंतजाम करें।
आपके यहाँ जो स्कूल है उनके जिम्मेदार मुझको बार बार मिलते रहे, क्योंकि मैं भी दुबई में रहा हूँ, तो वो हमारे अजीज अब्दुल अजीज भाई जो अक्सर मिलते हैं, उन्होंने स्कूल की तालीम के लिए कितनी मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, बार बार बताते रहे, मकतब की तालीम मजबूत है और मकतब ने इतनी अच्छी इमारत बनाई, इतना अच्छा जो है झूमर लगाया, लेकिन मस्जिद तो मस्जिद वाले अमल से बने। अब आप बेहतरीन इमाम लाए, मैंने सुना है बेहतरीन इमाम, अगर आप बताए कितने हजार में मिलेगा, आप बताए 20,000, और बताए पीछे से मुंबई वाले कितने में मिलेगा, बोला 30,000, माशाल्लाह, और बोलो। अब गांव के मस्जिद के जिम्मेदार 30,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, कहां है जिम्मेदार? ये एक ब्लॉकेज ऑफ माइंड है, हमारा दिमाग हमारा खत्म हो गया है, खराब हो गया है। वल्लाह कहता हूं, मैं जगाने बताऊंगा, आप सब जानते हैं उस जगह को, उस ट्रस्ट को बताऊंगा ना तो 50% लोग तो जानते हैं। मेरे पास सवाल आया कि मौलाना हमारी मस्जिद की बहुत प्रॉपर्टी है और लाखों रुपए इनकम आती है, तो हम उस मस्जिद की इनकम को वो बिल्डिंग बनाने में, वो यतीम खाने में, वो स्कूल में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वक्फ की मिल्कियत वक्फ पर ही खर्च होगी, ये शरई हुक्म है। तो मैंने कहा था वक्फ पर ही होगी, आप मस्जिद में करें। मस्जिद में क्या करें, मस्जिद में तो हमने सब किया है, और कौन सा खर्चा है? मेरे इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? बोले 12,000 रुपये। बोले करो 40,000 रुपये। मौलवी साहब की कितनी है? बोले 8,000 रुपये। तो करो 30,000 रुपये। अपने जेब का पैसा नहीं, वक्फ का पैसा, ट्रस्ट का पैसा, लेकिन जिम्मेदारान को वो पैसा देने में भी उनकी रूह निकलती है। इस समझने की बात है, हम सब जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया। अच्छा, आपको एक डॉक्टर चाहिए गांव में, 10,000 में आएगा क्या डॉक्टर? तो ये क्राइटेरिया हमने सेट किया, ये मेयार हमने बनाया, और हमने ये मेयार डाउन कर दिया ना तो ये मस्जिद की दरो दीवार रहेगी। और ना बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं, जामा मस्जिद मुंबई के अंदर कुतुबखाना मदरसा मोहम्मदिया और मदरसा मोहम्मदिया 1835 देवबंद के मदरसे से 2 साल पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी गेट 1835 है। दुनिया भर के स्कॉलर्स आते थे, डबल पीएचडी ऑफ अरबिक लैंग्वेज मस्जिद के अंदर की तालीम से होता था। उस जमाने में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं होते थे, मस्जिद के अंदर ही सारी तालीम, कोई तालीम, मैथ्स भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, कुरान भी, शरीयत भी, सबके सब काम दिया जाता था मस्जिद में। मेडिकल की, तिब की शानदार किताबें हाथ से लिखी हुई हमारी जामा मस्जिद में आज भी मौजूद है, आप आइए और हम आपको दिखाएंगे। या वहां जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है तो YouTube पर जाइए, लिखिए जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। उस 13 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में कि जामा मस्जिद बम्बई कैसे बनी, कौन से बादशाह ने बनाया, कोई बादशाह ने नहीं बनाया, कोकनियों की जमातुल मुस्लिमीन 1775 आज से 250 साल पहले भी हमारी जमात का इंतजाम था, हमारी जमात का सिस्टम बहुत शानदार था, लेकिन आज हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एक दूसरे की बात मानते हैं तो मुतवल्ली अशरफ का अशरफ जज्जो घरा का बाजी बात नहीं पर शादी। अरे भाई, अमीर होता है, जिम्मेदार होता है, हमारी जमातें जो साल में होती हैं, झगड़े मारामारी सर खोपड़ी। एक जमात की बात आई कि मैं मस्जिद का वो था, क्या कहते हैं, एक दो मियां बीवी का झगड़ा था, तो शोहर ने कहा कि बीवी के घर वाले ने कहा जमात दे दो, शोहर ने कहा अच्छा ठीक है जमात दे दो, जो भी हकीकत है। अब जमात दी गई, वो घर वाले लड़की वाले को भी बुलाया, लड़की को भी बुलाया, लड़का बस सब जा रहे हैं, लड़की वहां से पड़ी ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते, लड़की को बहुत गुस्सा आया, उसने खड़े हुआ मेरे को सबके सामने बोलती है मैं 3 तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। जमात बैठी थी मसले को हल करने के लिए, वहीं पर ये मसला हुआ। तो हमारी जमात का झगड़ा करती पहले की जमात, सोचिए आप 1775 आज से 248 साल पहले
बंबई आज की बंबई नहीं है, उस जमाने में सेवटोड़ा आपका पॉपुलर था, बंबई जो है ना वो बहुत डिग्रेड था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। सात जजीरे थे, सेवन आइलैंड्स। माहिम से वर्ली जाने के लिए इधर पानी का रास्ता है, इधर टापू के रास्ते से जाना पड़ता था। अब माहिम पता है किस किस को? माहिम पता था बताऊ? सबको पता है मुंबई का, और वर्ली पता है? वर्ली तो वर्ली और माहिम 10 से 12 मिनट का रास्ता है बाइक से और कार से, लेकिन उस जमाने में पानी के रास्ते से जाना पड़ता। उस जमाने में जमात मुस्लिमीन ने सोचा कि हम एक शानदार मस्जिद बनाएंगे और पानी के ऊपर बनाएंगे, हाउस है जिसके अंदर 29 चश्मे हैं, हाउस के ऊपर मस्जिद बनाएंगे, और वो मस्जिद के अंदर एक मदरसा बनाया गया, और उस मदरसे के अंदर दुनिया भर के स्कॉलर्स आते थे, यमन से, ओमान से, मिस्र से, सऊदी से पढ़ने वाले पढ़ाने वाले आते थे। 2000 10,48,000 पेजेस सफात मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी हुई किताबें जामा मस्जिद मुंबई में मौजूद थी। तो आपकी मस्जिद में मदरसे की तालीम का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए कि ऐसे ही? वो बोलते ना मरी मुर्गी अल्लाह के नाम, उनके साथ में जो मौसी साहब होते थे ना उनको खाली बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर मुर्गी काटने को आती थी और अजान देने को आती थी, अजान के जुमले भी सुनते थे। बल्कि हमारे मौलाना यूनुस साहब पूना वाले, सुना है नाम आप लोगों ने मौलाना यूनुस साहब पूना वाले, तो वो बड़े अच्छे अच्छे वाक्य सुनाते थे। एक गांव में गए तो मौलवी साहब ने अजान दिया, तो अजान के बाद किसने बोला मौलवी साहब का आवाज अजान के लिए भेज दिया जी, ऐसी का अजान? तो मौलवी साहब बोलते हैं 5 रुपये तो रफी की आवाज का अजान दे, 5 रुपये तनखा है तो तजर का मोहम्मद रफी की आवाज दिले तुला? तो उन्होंने भी अपनी जगह पर जवाब सही दिया। तो ऐसे कोई मौसिन साहब थे। अब मौसिन साहब का तनख्वाह तो कम रहती थी, लेकिन उस जमाने में एक निजाम था कि मुर्गी काटने के लिए लोग लेके आते थे। पता नहीं आप पुराने बुजुर्ग लोग जानते भी होंगे, तो इमाम साहब मौसिन साहब मुर्गी काटते थे, बिस्मिल्लाह ज़बह करके देते थे, और उसके फिर वो 10 पैसे चाराने ऐसा उनको मिलता था। ऐसे ही है ना? अभी यहाँ तो लगता पढ़े लिखे लोग होंगे, गाँव के आदमी छोटे छोटे गाँव होते होते हैं, यहाँ भी ऐसा था क्या? अभी क्या? अरे माशाल्लाह, अच्छा है आपका तो सिलसिला चालू है, हमारा तो बंद हो गया। अब वो मौलवी साहब की तनख्वाह बहुत कम थी और इसी पे काम चलता। अब कई दिन से मुर्गी काटने के लिए कोई आवा ही नहीं। अब बीवी बोले कि कहीं तरी नाना सकरा चला देगा अनाज बिना कुछ भी नहीं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन एकदम जो है ना फाका कशी हो गई, घर में कुछ भी नहीं। तो बीवी ने बोली कि कुछ तो लेकर आओ, तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं थी, वो बाजू वाले की मुर्गियां रात दिन घूमती है। मैंने उसमें से एक मुर्गी निकाली और जैसा तुम बराबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करते ना, वैसा ही मैंने बराबर से उसको ज़बह करके पकाया। वो इमाम दूसरी की मुर्गी हराम है, हराम। तो मैं तो मुर्गी नहीं खाऊ, मैं खाली सारा खाऊ मुर्गी तुझका। अब वो बोलती है मेरे को तो 3 दिन से भूखी हो, तो मैं तो मेरे लिए हलाल है, मैं तो खाऊंगी, तुम मत खाओ। अब खाने के लिए बैठे, सालन डालने के टाइम पे प्यारा होता है ना, तो मुर्गी की बोटी आगे आती है, तो मौसी साहब बोलते हैं अपने से आती है तो आने दो, खुद से आती है तो आने दो, ऐसा तो उसको रोक दे रहे ना। तो ये दौर तो उस वक्त का हालत का था, उस वक्त की हालत थी कि इमाम की मौसम की तनख्वाह बहुत कम, फिर उनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ता, फिर उनको ये तनख्वाह। क्यों नहीं हम बेहतरीन तनख्वाहों को दे? हमारे बच्चे जरूर सोचें कि हमारे बच्चे जो है ना, ये हमारी अमानत है, और ये इमाम मौसिन
मस्जिद के खादिम, मस्जिद के जिम्मेदार हमारे बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम दे रहे हैं। अच्छा इमाम लाएंगे आप तो वो आरबी भी सिखाएगा, अच्छा मुदर्रिस लाएंगे तो वो अपने बच्चों को शरीयत के अहकाम भी बतलाएगा। वरना इस वक्त में दज्जाली फितने से खतरनाक है कि हमारी नस्लें हमारे हाथों से निकल कर जा रही है, हमें पता भी नहीं। हम स्कूल में भेजते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत हाई फाई एजुकेशन है, उस हाई फाई एजुकेशन के बीच में बच्चा इर्तिदाद का शिकार हो जा रहा है। एक नहीं कई ऐसे हमारी जाम मस्जिद में एक साहब आके कि मेरे बच्चे से जरा बात करें ना, वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है, कुरान को मानता है, नमाज को मानता है, उसको कहते हैं, कहते हैं। यह हमने किया, क्या हमने बच्चों की तालीम पर फिक्र की, क्या हमने बच्चों की तरबियत पर फिक्र की, क्या हमने बच्चों को दीन और ईमान सिखाने की फिक्र की। ये मौके थे कि बेहतरीन जिस तरीके से दरो दीवार पर हमने खर्चा किया है, एसी के बगैर मस्जिद रह सकती है, शानदार जो है बात, आप नाराज मत होना, इसके बगैर मस्जिद रह सकती है। लेकिन अगर हमारे बच्चे दीन से ईमान से हाथ धो बैठे तो उनकी दुनिया भी गई और सोचे जरा सोचे, ये वक्त जो है ना जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये दज्जाली फितनों का दौर है, ये बहुत सख्त दौर है और हमें बहुत ज्यादा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ फिक्र करने की जरूरत है। अगर हमने नहीं की, बच्चे और नस्लें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, बड़ी बड़ी मस्जिदें होंगी लेकिन नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। बार बार तो सुनते ना टीचर जो है ना वो एहतजाज पर है और डॉक्टर एहतजाज पर है, कभी ऐसा देखा है कि इमाम साहब लोग एहतजाज पर है, हम लोग कोई भी नमाज नहीं पढ़ाएंगे, सेल तोड़े के सारे इमाम जमा हो गए, हम लोग नमाज नहीं पढ़ाएंगे जब तक हमारी तनख्वाह 25,000 रुपए नहीं करेगी, ऐसा कभी देखा है नहीं। क्योंकि ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, इमाम को भी ये समझना चाहिए कि अगर इमाम तनख्वाह के लिए नमाज पढ़ाता है तो उसके नीयत में गड़बड़ है, उसको तो अल्लाह अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए पढ़ाना, लेकिन उसका टाइम उस वजह से फिक्स हो जाता है, वो कुछ कारोबार नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको इमामत की तनख्वाह नहीं देते, समझना, हम उसको आगे बढ़ाकर पढ़ाने की तनख्वाह नहीं देते, बल्कि वो हमारे लिए जो टाइम अपना फिक्स कर रहा है, टाइम अपना प्रिजर्व कर रहा है, हमारे लिए टाइम महफूज करता है, उसकी हम उसको क्या देते हैं, तनख्वाह देते हैं। तो खुलासे कलाम ये है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बयान मुझे खत्म करना चाहिए क्योंकि अब जो है लोग मुतवज्जे कम है रहे, कितने बजे तक करना चाहिए, कितने बजे आ रहा है 12:55 की आ रहा ठीक। तो अब थोड़ी सी मुजाकरात की बात करते हैं कि अब आप बताइए कि आप क्या क्या नियत कर रहे हैं। एक तो अमल मैंने आपको बताया कि मस्जिद में जब भी आए तो क्या करें, तो कौन कौन तहजुद मस्जिद पढ़ेगा, आज सबने पढ़ेंगे, चलिए एक नियत हो। दूसरा अपने लिए, अपने आल औलाद के लिए, अपने मरहूमीन के लिए कोई नेकी का काम, मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, हाफिज बनाना, मुफ्ती बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, लॉयर बनाना, कुछ भी नहीं हो सकता है तो यतीम के सर पर हाथ रखना, यतीम के सर पर हाथ रखेंगे ना, रिवायत में आता है कि हाथ रखने के वक्त में जितने जितने बाल उस हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी नेकियां उसके नामे आमाल में लिखेंगे। तो ये नियत कौन कौन करता है, सब करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करता। तीसरी बात कि इस मस्जिद के अंदर बेहतरीन इमाम, बेहतरीन मुदर्रिस टीचर और बेहतरीन मकतब यानी कुरान की तालीम ये शुरू होगा इंशाल्लाह। ये मोहल्ले में कितने बच्चे होंगे, बाजू में होता है बहुत अच्छा, उसको भी और अच्छा करेंगे, और मस्जिदों में तो इतनी अच्छी शानदार मस्जिद है, एक अच्छा मुदर्रिस लाओ, ये मौलाना इस्माइल साहब आपके इत्तेफाक है, ये मुमकिन नहीं था कि वो आ जाते थे,
लेकिन ये इत्तेफाक है कि मैंने उनसे दरखास्त किया, रिक्वेस्ट किया। अब ये लांजा, राजापुर और उस इलाके के बहुत सारे गांव में मकतब की तालीम का और भी बहुत सारे नेकी के काम हैं वो करते हैं। आपने अलवी स्कूल देखी होगी, एमएनएस जो है उनका पूरा एक एनजीओ है, तो माशाल्लाह ये निज़ाम बनाते हैं। आप इनसे रब्ता रखें, आपको बेहतरीन मदरस भी मिले और मकतब की तालीम का बेहतरीन इंतजाम भी हो, इंशाल्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए खैर आफियत बरकतों के फैसले फरमाए, शुरू और फितन से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। किसी का कोई सवाल है? अगर कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। जुमा वाला बयान नहीं है, मैं वन वे ट्राफिक वाला बयान नहीं कर रहा हूँ। आपको भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर कुछ पूछना ही नहीं है तो फिर दुआ कर लेते हैं। किसी का कोई सवाल है? नहीं, थक गए, सुन सुन के सुन तो नहीं होंगे। जी जी इसको रहने दीजिए, भी थोड़ा जरूर चाहिए वरना खाने का माहौल बन जाएगा। अब वैसे भी जो है ना, ये भी मस्जिद के हक में से है कि मस्जिद को मुलवस्त ना करे तो कोई चीज़ें गिर जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो है एक सजेशन दिया है, इफ़ देयर इज जुमा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट वी कनेक्ट ऑल दी मस्जिद, तो वी ट्राई अवर बेस्ट सो मेनी टाइम। बल्कि ये जो लोगों और यहाँ सैलाब आया था तो उस वक्त में हम लोगों ने पूरे होकर के एन जी ओ को जमा किया था और हज हाउस में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजमेंट, ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट था, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, हर एक अपनी अपनी इंटिटी हो, बट है उसके अंदर कुछ इवेंट बट एंड टास्क एंड विल ट्राई अगेन इंशाल्लाह। तो वो एक अहम सजेशन है और हम लोगों ने इस पर पहले भी कोशिश की है और इंशाल्लाह वापस इस पर कोशिश करें। और किसी को कोई सवाल करना है? जी 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 बहुत अच्छे सवाल किया कि ये मुसलमान जो है इस वक्त नेशनल लेवल पर मुल्की सतह पर कुछ हालात से गुजर रहे, उसके लिए क्या मैसेज देना है? सबसे अहम मैसेज ये है कि वी शुड गो एंड रीड आवर हिस्ट्री, हमारी तारीख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के थोड़े वक्त के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मदीने के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उसके बाद करबला का वाक़या पेश आया हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने, जंग सिफ़ीन, जंग जमल पेश आई। उसके बाद खिलाफत का निज़ाम चला, तातारियों का एक दौर आया जो बहुत सख्त दौर था। तो पहली तो बात कि ये दौर ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा आया है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले नबियों के साथ भी हालात आए कि जहां खजाना होता है वहीं पर चोर क्या करता है, डाका डालता है। तो इसलिए उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तैअसू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। जरूरत है अपने आमाल को दुरुस्त करने, अपनी नमाज, अपने रोज़े, अपने अखलाक, माँ बाप के साथ अपना मामला, बच्चों के साथ अपनी तरबियत, बीवी का अपना हक, पड़ोसियों का हक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल इस ज़माने के अंदर। अभी हमारे बच्चे बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने का हक क्या है, बाइक को रोड पे कैसे रोकना चाहिए, ये एक तरीका है। मेरा गाँव है, मैं जैसा चाहूँ सर ऐसा नहीं। तो हमें अपने अखलाक सबसे अहम बात,
कि जब इस्लाम पूरी दुनिया में गया है उसका बुनियादी मकसद हमारे अखलाक है। अगर आपकी बस्ती में मैं आ रहा था तो बीच में एक बस्ती है गैर मुस्लिम की, तो मैंने हमारे रफीक के सफर को पूछा भी और मुझे गैर मुस्लिम मिले तो हमें उनके साथ एक इंट्रैक्शन करना चाहिए, बिरादरान वतन के साथ हमारा एक मोहब्बत का मामला होना चाहिए। तो ये बहुत अहम है कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें और उनको सही लोगों को। हमारी जामा मस्जिद में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बड़े अजीब अजीब तंजीमों के जिम्मेदार थे, मस्जिद में आकर मस्जिद का ऐसा स्थल है, हमारा मस्जिद मारती इतना कैसी स्थल, उनको पता ही नहीं मस्जिद कैसी होती है। हम ये समझते हैं कि भाई काफिर को तो मस्जिद के अंदर लाएंगे तो मस्जिद नापाक हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद के अंदर काफिर को वो सुतून से बांध के रखे हुए थे जो आज भी मस्जिद नबी के अंदर मौजूद है। तो समझना चाहिए कि ये तो हमको अपने अखलाक दुरुस्त करने चाहिए और अपने मामला को बेहतर करना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेते हैं, दुआ मुकम्मल होने के बाद फिर इंशाअल्लाह तो अजान होगी और अजान के बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا رحمته ولا ميتا الا غفرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة دوننا بها رحمة من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعطنا أفضل ما تعطي عبادك الصالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا إله العالمين اللہ بڑے کریم ہے اللہ بڑے رحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ ستار ہے اللہ غفار ہے اللہ پوری دنیا کے مالک اور خالق ہیں اے اللہ ہم آپ کے بہت ہی نافرمان اور معصیت والے بندے ہیں اے اللہ لیکن ہماری نسبت آپ سے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ایک مالک مانتے ہیں آپ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ ہم کو نیک اور صالح بنائیے اللہ متقی پرہیزگار بنائیے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے پانچ وقت کی
नमाजों का पाबंद बनाइए। अल्लाह रोजे तिलावत तरावी और कुरान करीम की तालीम अल्लाह नेकी और खैर के कामों का सबकत करने वाला हम सबको बनाइए। अल्लाह गुनाहों से हम सबकी हिफाजत फरमाइए, बुराइयों से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह मोबाइल इंटरनेट के गुनाहों और साजिशों से हम सबको महफूज रखिए। अल्लाह मस्जिद के बनाने में जिसने जो जो तआवुन किया है अल्लाह हर एक के तआवुन का उसको बेहतरीन बदला अता फरमाइए। अल्लाह जिसने एक लोटा पानी भी दिया हो अल्लाह उसको भी बेहतरीन बदला दीजिएगा। अल्लाह तशकूर चलवान जिन्होंने अपना पूरा मेहनत और कुव्वत इस मस्जिद के बनाने पे लगाई है अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाइए। अल्लाह वो बनाकर चले गए मस्जिद की तामीर से पहले ही आपके दरबार में पहुंच गए। अल्लाह आपके नबी ने फरमाया कि जब बंदे किसी के लिए दुआ करते हैं, जब औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो फरिश्ते उस दुआ को एक तश्त में सजा कर ले जाते हैं। अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा कर हमारे इन आमाल को उनके लिए सदका जारिया बनाइए, हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमाइए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाइए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए कि हमारी ये दुआएं एक तश्त में सजा कर ले जाई जाए और ये लोग पूछें फरिश्तों से कि ये क्या है तो कहा जाए कि मस्जिद के इफ्तिताह के वक्त आपके लिए दुआएं हो रही है। ऐ अल्लाह हम सबके मरहूमीन की मगफिरत फरमाइए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए। ऐ अल्लाह उनके तमाम सफर की सहूबतों और तमाम मराहिल को आसान फरमाइए, आला रहमतीन के फैसले फरमाइए। ऐ अल्लाह हमको यकीन है कि हमें भी मरना है, हम दूसरों का ऐलान सुनते रहे एक दिन इस मस्जिद से या किसी और मस्जिद से मेरे नाम का भी ऐलान होगा कि फुला फुला दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनकी नमाज जनाजा इतने बजे पढ़ाई जाएगी कि लोग मुझे गुस्ल देंगे, फिर लोग मुझे कफन पहनाएंगे, नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। ऐ अल्लाह हम सबको मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हम सब के लिए आखिरत के सफर को आसान फरमाइए, दुनिया के तकाजों को भी पूरा फरमाइए, दुनिया का भी खैर अता फरमाइए, आखिरत का भी खैर अता फरमाइए। अल्लाह रमजान मुबारक करीब है, रमजान की अल्लाह बरकतें और नेकी और बेहतर साहतें हम सबको अता फरमाइए। अल्लाह रोजों की तौफीक अता फरमाइए, अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह हमारे औलाद को नेक सालेह मुत्तकी परहेज़गार बनाइए। ऐ अल्लाह जब बाप मस्जिद में आकर ये कहता है कि मेरे बेटे ने मुझे अपने घर ही से निकाल दिया, न खाने के लिए देता है न मेरे तकाज़ों को पूरा करता है, अब मैं मस्जिद ही के एक किनारे में अपना बिस्तर रखकर वहीं आराम करता हूँ, ऐसा एक ऐसा दौर आ गया है कि एहसान करने वाली माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में अपनी बच्ची को रखा और उसको खिलाया, खुद भूखी रही, उसको सुला सुतरे और सूखे बिस्तर पर सुलाकर खुद नरम बिस्तर खुद जो है गीले बिस्तर पर सोती रही, अपने मुंह का लुम्मा उसको देती रही। बच्ची पूछती कि आपने खाना खा लिया तो वो कहती कि हाँ मेरा पेट भरा है, जबकि वो भूखी होती थी। आज बच्चियां बड़ी होकर माँ बाप की नाफरमान हो जाती है इस हद तक कि वो दूसरों के साथ चली जाती है और माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है। ऐ अल्लाह इस फिक्री इब्तिदाद को इस मुर्तद की हवाओं से हम सब की बच्चों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हम सब के बच्चों को नेक बनाइए, सादिक बनाइए, मुत्तकी बनाइए। अल्लाह हमारी कोताही है कि हमने उनको दीन नहीं सिखाया, हमने उनको अल्लाह रसूल की तालीम नहीं सिखाई। ऐ अल्लाह दुनिया तो सिखा दी, दीन नहीं सिखाया, जबकि बड़े होकर वो हमारा हक भूल गए। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को नेक सादे बनाइए, मुत्तकी परहेजगार बनाइए। ऐ अल्लाह हमारी आंखों की ठंडक बनाइए, बातिल के फितनों और साजिशों से उनकी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारे मरहूमीन जो दुनिया से जा चुके हैं अगर वो मौजूद होते तो वो भी इस मजलिस में शरीक होते, उनका नामे आमाल बंद हो चुका है।
है, अल्लाह हमारी आमाल को उनके लिए सदका जारिया बनाइए। अल्लाह हम तो इतनी इतनी आसानी के साथ इतने अच्छे माहौल में रह रहे हैं अल्लाह, इसी दुनिया के इस कुर्र-ए-अर्ज़ी पर फलस्तीन की भी अल्लाह बस्ती है, गज़ा की भी बस्ती है, जहां उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, पानी पीने के लिए नहीं है। अल्लाह जालिम अपनी ताकत के साथ उनके साथ में खड़ा, उनके सामने खड़ा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, जालिम सारे एक तरफ जमा हो गए, मजलूम का कोई हिमायत ही नहीं है। अल्लाह इतने सारे मुसलमान ममालिक हैं, इस्लामी हुकुमरान हैं, कोई उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। अल्लाह बच्चे अपने हाथों पर अपना नाम लिखते हैं, कोई पूछता है कि क्यों लिखते हो, कहा कि अगर हमारा हाथ हमारे जिस्म से अलग हो जाए तो हमारे वालिद हमारे नाम को पहचान सके, हमको जान सके, हमारी लाश को पहचान सके। अल्लाह रहम फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए, अल्लाह फजल फरमा दीजिए, अल्लाह जालिमों को जुल्म से रोक दीजिए, मजलूमों की हिमायत फरमा दीजिए। अल्लाह फिरौन भी तो जालिम था, नमरूद और हमान भी तो जालिम थे, अल्लाह उनको आपने अपनी कुव्वत का और अपनी कुदरत का नमूना दिखाया, अल्लाह इनको भी एक करिश्मा दिखला दीजिए, इनको भी अपने कुदरत का एक करिश्मा दिखला दीजिए। अल्लाह हमें नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाइए, हम अपनी बच्चियों के जब निकाह की फिक्र करें तो कुछ यतीम बच्चियां भी उनके साथ हो, अल्लाह हम जब अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करें तो कुछ यतीम बच्चों का तालीम का इंतजाम भी करें, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारे मालदारों को सही हक के साथ सही मकाम पर सर्व करने की सआदत और तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह जो गरीब है उनकी जरूरतों की किफालत फरमाइए। अल्लाह इस मजमे में जो जिस जरूरत और हाजत का मोहताज है, अल्लाह हर एक की जरूरतों को हर एक की दिल की कैफियत को आप जानते हैं। अल्लाह इस बस्ती में जितने लोग हैं हर एक के तकाजों को आप जानते हैं, जितनी माएं बहने हैं उनके तकाजों को आप जानते हैं। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार है उनके रोजी के मसाइल को हल फरमाइए, जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमाइए। ऐ अल्लाह जिनके निकाह नहीं हुए उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमाइए, जिनके मकानात नहीं है उनके लिए अच्छे और साफ सुथरे और मुनासिब मकान का इंतजाम फरमाइए। ऐ अल्लाह और हम सबको इस मस्जिद को आबाद करने वाला बना दीजिए, अल्लाह इस मस्जिद के साथ उल्फत और मुआनसत के ताल्लुक रखने वाला बना दीजिए, ताकि मस्जिद हमारे हक में फैसला करे, हमारे हक में आवाज दे, न कि हमारे खिलाफ आवाज दे। अल्लाह ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनके बाल सफेद हो गए, अल्लाह जब ये हाथ उठाते हैं तो आपको आपके नबी ने फरमाया शर्म आती है कि इनके हाथों को यूं ही लौटा दें। अल्लाह जब आप इनकी दुआओं को कबूल करें तो हमारी दुआओं को भी इनके साथ कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, अल्लाह इन पर आप बड़ी मोहब्बत और शफकत की निगाह रखते हैं, अल्लाह इनकी बरकतों से हमारी जिंदगियों के रुख को दुरुस्त फरमा दीजिए। अल्लाह बस्ती के अंदर खैर फरमाइए, आफियत के फैसले फरमाइए, हर किस्म के शर और फितनों से महफूज रखिए। ऐ अल्लाह इस मस्जिद के बनाने में और इसके तकाजों को पूरा करने में जिसने जो कोशिश की है, अल्लाह उस कोशिश का बेहतरीन बदला आप उनको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अता फरमाइए। जिम्मेदारान जो इस वक्त मौजूद है, बड़ी बड़ी उम्र के हैं, अल्लाह तेरी रजा के खातिर ये कोशिशें करते हैं, अल्लाह इनकी कोशिशों को कामयाब बनाइए, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह हम सबको नेकी और खैर के कामों के लिए कबूल फरमाइए, शुरू और फितर से हमारी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दीजिए, हमारी दुआओं को महज अपने फजल और करम से कबूल फरमाइए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलाम अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जो भी ये हुआ है ना, वो जो स्टार्ट से लेकर अब तक